मेरा अनुरोध है आपसे, मेरी भ्राता को क्षमा कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो केवल मेरे सम्मान के लिए कर रहे हैं, तो मैं ये अनर्थ होते हुए नहीं देख सकती, मैं मेरे नेत्रों के सामने मेरी भ्राता को मरते हुए नहीं देख सकती। कृष्ण, सुदर्शन चक्र जब उठता है तो अपने लक्ष्य को पूर्ण करके ही लौटता है। उसका लक्ष्य था रुक्मी का अंत, उसके प्राण हरना। व्यक्ति के केश उसका मान होते हैं। अब मैं तेरे प्राण छीन लूं या तेरा मान, बात समान ही है। धन्यवाद कृष्ण, मेरी विनती स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे भ्राता के प्राण दान देने के लिए धन्यवाद। कृष्ण, तूने मेरा मान मेरे केश तो हर लिए, इससे चित होता कि तू मुझे मार ही देता। और वो पादुकाएं भी उतार उन्हें, आज तू यहां से बिना पादुकाओं के ही जाएगा। बलराम, तुमने ये उचित नहीं किया, इस अपमान का प्रतिशोध लूंगा मैं। मेरे हाथ पर आपने जो ये वस्त्र बांधा है, ये प्रतीक है कि आज से हम दोनों एक बंधन में बंध गए हैं, सदा सदा के लिए। कदाचित जो शब्द अब तक मेरे मन में अनकहे थे, आज अपने इस कृत्य से वास्तविक कर, और इसके लिए मैं केवल और केवल राधा को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। राधा रानी की जय हो। कहिए, क्या संदेश लाए हैं? आपके कथन पर कृष्ण राजकुमारी रुक्मिणी को बचाकर मथुरा के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अंततः कृष्ण ने मेरी बात मान ही ली
अब मैं दाऊ की इच्छा अनुसार उनके विवाह में जाऊंगी। कृष्ण मुझे लेने आता ही होगा, किंतु इतनी सरलता से तो मैं जाऊंगी नहीं। इतना रुलाया, मुझे सताया, सौगंध दी, तब जाकर माना है वो। अब थोड़ा तो मैं भी सताऊंगी, इतनी आसानी से तो नहीं जाऊंगी। क्या हुआ भाभी जी, अब तो विवाह के दिन ही मूर्छित हो गई। विवाह हो तब ना। कृष्ण तुम सही कहते थे, बलराम जी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कब से लुप्त है, अब देखो लौटे भी है तो किसके साथ लौटे हैं? किसके साथ? ये विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी है। इनका जीवन संकट में था, इन्होंने हमसे सहायता मांगी, इसीलिए इन्हें बचाकर हम यहां लाए। अरे हाँ भाभी, ये सब क्या है, कितनी भूली आप, कुछ हुआ ही नहीं और आप ऐसे रुष्ट होके मूर्छित हो गई। क्यों दाओ? मुझे इस पर कोई तर्क देना ही नहीं। बलराम जी सुनिए तो। अरे अरे भाभी जी दाओ। वाह, विवाह से पूर्व ही इतनी नोकझोंक, यही तो अद्भुत लगता है मुझे। हमारे राज्य में आपका स्वागत है। जब तक आपको कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल जाता, तब तक यहाँ निश्चिंत तौर से आप रह सकते हैं। महाराज उग्रसेन, आपके यहाँ विवाह का अवसर है और हम सबका यहाँ रहना आपके लिए संकट पैदा कर सकता है, इसलिए उचित यही होगा कि हम सब यहां से चले जाएं। अरे आज हमारे बलराम का विवाह है, उसके लिए तो आपको रुकना होगा। कृष्ण अपने परिवार से हमारे रुकने का आग्रह क्यों नहीं कर रहे? कृष्ण क्या आपको कुछ नहीं कहना है? कब क्या कहना है और कब कहां जाना है, इसका निर्णय तो उचित समय आने पर ही किया जाना चाहिए। क्यों? क्षमा कर दीजिए ना बलराम जी, भूल हुई मुझसे। रेवती जी, आपको ज्ञात है आपके अतिरिक्त मेरे मन में, मेरे जीवन में आज तक कोई आया ही नहीं है। विवाह के एक दिवस पूर्व आप बिना किसी को बताए कहीं चले गए और अचानक से कन्या के साथ लौटे तो अरे रेवती जी, मैं नहीं, कान्हा चलकर आया था रुक्मिणी के साथ, और देखिए कितनी उच्च कोटि का लीलाधर है, आपको देखते ही दूसरी ओर भाग गया नटखट, ताकि आप ऐसा सोचें कि मैं उस कन्या के साथ चलकर आ रहा हूँ। सच? मैं संदेह कर रही हैं आप मुझ पर? अरे नहीं नहीं, आप कह रहे तो ऐसा ही होगा। अब मैं समझ रही हूँ कृष्ण कितना नटखट है। नटखट? क्या कह रही है रेवती जी आप, कान्हा को नटखट कह रही? उच्च कोटि का दुष्ट कहिए उसे। आप सही कह रही हो, डांटूंगी मैं उसको। केवल डांटेंगी? रेवती जी भाभी हैं आप, भाभी होने का लाभ उठाइए, पिटाई कीजिए उसकी। हाँ हाँ पीटूंगी। पक्का पीटेंगी? अब कान्हा पिटेगा, अब कान्हा पिटेगा। महाराज की जय हो। मथुरा की सुरक्षा व्यवस्था में एक भी सैनिक तैनात नहीं है, पूरी मथुरा विवाह के लिए सज्ज हुई है। यही तो मैंने सोचा था, कृष्ण सोच रहा होगा कि हम सब पराजय मान चुके हैं, इसलिए निश्चिंत होकर विवाह का आनंद ले रहा है वो। शिशुपाल रुक्मिणी ने पूरे सामर्थ्य से आक्रमण कराओ, मार्ग में जो कोई भी आए उससे मारते हुए राजमहल में पहुंचो। आक्रमण!
हैं रुक्मिणी, आपका पोशाक तो बहुत अच्छा है। आपकी माता ने दी है। कृष्ण, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मेरे मन के विचार मैंने अपने पत्र में लिख दिए थे, जिसे पढ़कर ही आप मुझे बचाने आए। उसके पश्चात जब आपने मेरे घाव पर ये प्रेम की पट्टी बांधी, तब भी मैंने अपने मन की बात आपके समक्ष प्रकट की। किंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक जो भी कहा वो मैंने कहा और आपकी स्वीकृति की केवल कल्पना की, क्योंकि आपने अब तक कुछ भी नहीं कहा। आप मुझे अपनी पत्नी बनाएंगे तक नहीं कहा आपने। सभा में भी जब मेरे जाने की बात हो रही थी, तब भी आपने इसके विषय में किसी से कुछ नहीं कहा। मैं अपने मन से आपकी हो चुकी, किंतु आपके मन को नहीं समझ पा रही हूँ मैं। अपने इस मौन को तोड़िए, अपना देश, अपनी धरती को छोड़कर मैं और मेरे पिता भागकर आपके साथ यहाँ आए हैं। अब आप अपना निर्णय सुनाइए, आपके मन में जो भी है कह दीजिए। मेरे मन में क्या है ये बताने के लिए अभी बहुत समय लगेगा रुक्मिणी, और हमारे पास समय नहीं। हमें अब भागना होगा तीव्र गति से। जितनी तीव्र गति से हम भागे उससे भी अधिक। ये क्या मंडप सजा है, पर यहाँ पे भी कोई नहीं है। उत्तर दक्षिण की ओर भी कोई नहीं और पूर्व पश्चिम की ओर भी कोई नहीं है। सारे मथुरा वासी अचानक लुप्त कैसे हो गए? कहाँ गए सबके सब?